हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग फंडामेंटल के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स। तो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं जिसके अंदर जो हार्डवेयर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, और जिससे कि बेनिफिट क्या होता है कि जो रिसोर्सेज है वो शेयर कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन भी शेयर की जा सकती है। और जो इंटरनेट कनेक्टेड जो होते हैं कंपोनेंट्स, वो कम्युनिकेशन चैनल्स जैसे केबल और सैटेलाइट के थ्रू होते हैं। ठीक है, सो दिस सेशन इंट्रोड्यूसेस यू टू द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेटवर्किंग एंड इंटरनेट एंड यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे, बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे नेटवर्किंग के और इंटरनेट के। उसके बाद नेटवर्क्स आर डिजाइंड यूजिंग द फॉलोइंग आर्किटेक्चर। जो नेटवर्क कैसे डिज़ाइन होते हैं, इन आर्किटेक्चर का को यूज़ करके होते हैं। जैसे सबसे पहले पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर होता है, जिसको हम P2P बोलते हैं। नेटवर्क्स इन विच ऑल कंप्यूटर्स हैव एन इक्वल स्टेटस आर कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क। इसके अंदर क्या होता है कि जो सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं उनका स्टेटस इक्वल होता है। जनरली इन सच ए नेटवर्क ईच टर्मिनल हैज़ एन इक्वली कॉम्पिटेंट CPU। मतलब सबके पास इक्वल इक्वल ही CPU होते हैं, जिनकी जो मेमोरी होती है वो सेम होती है, जो भी पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसलिए इसको पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर बोला जाता है। उसके बाद आता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। नेटवर्क इन विच सर्टेन कंप्यूटर्स हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स आर कॉल्ड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स। इसके अंदर क्या होता है, एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। मतलब इसमें क्या होगा कि कुछ कंप्यूटर्स होते हैं जिसको एक डेडिकेटेड टास्क दे दी जाती है, जिसको हम सर्वर बोलते हैं। उस पर ही हमारा सारा डाटा स्टोर होता है, जो भी हमें हमारी इंफॉर्मेशन होगी वहीं पर जाके स्टोर होगी, और बाकी सब क्लाइंट्स होते हैं। द कंप्यूटर्स विच प्रोवाइड सर्विसेज आर कॉल्ड सर्वर। जो कंप्यूटर सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको हम सर्वर बोलते हैं। एंड द वंस दैट यूज दिस सर्विसेज आर कॉल्ड क्लाइंट्स। और जो इन सर्विसेज को यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड क्लाइंट्स। ओके, सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अभी ये जो थे नेटवर्क आर्किटेक्चर थे, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि हमारा जो नेटवर्क है वो कैसे कैसे डिवाइड हो सकता है। उसमें टाइप्स ऑफ नेटवर्क, दे आर टू मेजर टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। वैसे हमारे एक थर्ड और होता है मैन, जिसको बोलते हैं मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, जो आपके सिलेबस में नहीं है। सो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क इज़ वन विच कनेक्ट्स कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस इन अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया सच एज होम, स्कूल, कंप्यूटर लेबोरेटरी, ऑफिस बिल्डिंग और क्लोजली पोजिशन ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स। तो जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वहाँ पे क्या होता है, जो कंप्यूटर जो कनेक्टेड होते हैं वो लोकल एरिया के अंदर होता है। जैसे कि हमारे घर पे जो हम यूज़ करते हैं नेटवर्क, या स्कूल के अंदर जो हमारी जो लैब बनी हुई है वहाँ पे अगर हम नेटवर्किंग कर दें। जैसे हमारी लैब में भी क्या है कि हमारे दो सर्वर हैं और बाकी सब क्लाइंट्स हैं, वो भी हमारे कनेक्टेड हैं। और जैसे कंप्यूटर लेबोरेटरी, ऑफिस की बिल्डिंग जो होती है वहाँ पर भी लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ होता है। ठीक है, यूजुअली लोकल एरिया नेटवर्क्स ऑफर वेरी हाई स्पीड। इसकी जो स्पीड होती है इस काफ़ी हाई होती है एंड आर यूज फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल सच एज प्रिंटर, स्कैनर्स एट्सेट्रा। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो कनेक्टिविटी होती है वो बेसिकली जो पेरिफेरल्स डिवाइसेज होते हैं जैसे प्रिंटर्स है या स्कैनर्स है, उनको हम शेयर कर सकते हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है लोकल एरिया नेटवर्क का, और उसकी जो स्पीड होती है काफ़ी हाई होती है। तो उसके बाद वाइड एरिया नेटवर्क आता है। अब वाइड एरिया नेटवर्क इज़ वन विच कवर्स अ ब्रॉड एरिया आइदर एनी नेटवर्क दैट लिंक्स अक्रॉस मेट्रोपोलिटन, रीजनल और नेशनल बाउंड्रीज। मतलब आउट ऑफ कंट्रीज भी ये एरिया वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो यूज़ होता है। दिस इंटरनेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर वैन एंड इज़ यूज फॉर बाई बिजनेस, गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, आर्टिस्ट, एंटरटेनर्स एंड मैनी अदर्स। तो सभी इस नेटवर्क को यूज़ करते हैं। इसमें जो कनेक्शन होता है वो वर्ल्ड वाइड होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज इंटरनेट। इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट यूज़ द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट टू सर्व बिलियंस ऑफ यूजर वर्ल्ड वाइड। तो इंटरनेट क्या हुआ, एक ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर होता है, जहाँ पर
ग्लोबल लेवल पे जो कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं दैट यूज़ अ स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि आईपी जिसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, ठीक है। इसके जो बिलियन ऑफ यूजर्स होते हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पे, इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो इंटरनेट क्या हुआ, यहाँ से हम डेफिनेशन इसकी ले सकते हैं कि इंटरनेट इज़ ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ प्राइवेट पब्लिक एकेडमिक बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क्स। तो जिसके अंदर सभी हमारे नेटवर्क आते हैं तो उसको हम बोलेंगे इंटरनेट। इंटरनेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल टेक्नोलॉजीज ऑफ मॉडर्न टाइम्स विच हेल्प अस इन अवर डेली पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो इंटरनेट का हमारे डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ होता है, पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में भी इसका काफ़ी यूज़ होता है। इंटरनेट इज़ वाइडली यूज्ड बाय स्टूडेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, साइंटिस्ट एंड प्रोफेशनल्स टू गैदर इंफॉर्मेशन फॉर रिसर्च एंड जनरल इंफॉर्मेशन। तो इंटरनेट का यूज़ जो स्टूडेंट्स करते हैं अपनी स्टडी करने के लिए, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो यूज़ करते हैं टीचिंग के लिए, ठीक है, और साइंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं और प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं अपने रिसर्च वर्क के लिए। कुछ भी इनको रिसर्च करनी होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन उनको इकट्ठी करनी होती है, तो इंटरनेट का यूज़ हर जगह होता है। बिजनेस इज यूज द इंटरनेट टू एक्सेस कॉम्प्लेक्स डाटाबेस सच एज फाइनेंशियल डाटाबेस। तो बिजनेस में इसका यूज होता है डाटाबेस को कलेक्ट करने के लिए। द इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट एनसाइक्लोपीडिया फॉर ऑल एज ग्रुप्स। तो लार्जेस्ट एनसाइक्लोपीडिया का मतलब क्या हुआ कि इंटरनेट का हर एज ग्रुप के जो पर्सन है वो इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। द इंटरनेट हेल्प्स इन मेंटेनिंग कॉन्टैक्ट विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हु लिव अक्रॉस डिफरेंट लोकेशंस। तो इससे क्या होता है, इंटरनेट की हेल्प से कॉन्टैक्ट्स भी बनते हैं फ्रेंड्स के साथ, हमारे रिलेटिव्स के साथ, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे रहते हैं। वाई इंटरनेट चैटिंग सिस्टम एंड ईमेल सॉफ्टवेयर। तो जो इंटरनेट के थ्रू जो चैटिंग सिस्टम है वो और ईमेल जो सॉफ्टवेयर है वो आप यूज़ करते हो। इंटरनेट इज़ ऑल्सो बिकमिंग अ मेजर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर जनरल पब्लिक। तो जो इंटरनेट है वो एक एंटरटेनमेंट का सोर्स भी बना हुआ है हर किसी के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा नेटवर्क के बारे में और इंटरनेट के बारे में, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।